आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जीएसटी काउंसिल में 45th जीएसटी काउंसिल में आए हुए कुछ डिसीजन के बारे में। मेरा ये चैनल आप लोगों के लिए बिजनेस कम्युनिटी के लिए बना हुआ है, जिसमें जीएसटी में आने वाले जो भी बदलाव है उनको मैं आपको आपके आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, ताकि आप उसको समझ सकें और अपने बिजनेस से अप्लाई कर सकें। तो डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है GSTR1 की पेनल्टी। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि GSTR1 में पेनल्टी नहीं है। क्यों ऐसा मानते हैं? क्योंकि GSTR1 जो भी डिले फाइल करता है उनको कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ती। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, GSTR1 में फर्स्ट डे से 1 जुलाई 2017 से ही पेनल्टी है। उसमें पहले पेनल्टी 200 रुपये पर डे थी, बाद में उसको गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके 50 रुपीज पर डे कर दिया था। चूंकि GSTR1 में कोई पेमेंट का ऑप्शन नहीं, इसके लिए वो पेनल्टी आपको लगती नहीं थी, लेकिन एक्ट में वो फर्स्ट डे से पेनल्टी थी। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, यदि आप GSTR1 लेट फाइल करेंगे तो उसकी पेनल्टी आपके जो भी ओपन 3D होगा, जो 3D अवेलेबल होगा, जो आप नेक्स्ट फाइल करेंगे उसमें उसकी R1 की पेनल्टी आपकी ऑटो पेमेंट हो जाएगी। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सबको ध्यान रखना है कि R1 हमें टाइम से फाइल करना है। R1 की डेट क्या है, 11 तारीख है मंथली स्कीम वालों के लिए और 13 तारीख है IFF के लिए जो क्वार्टरली स्कीम है। तो 11 या 13 उससे पहले आपको R1 फाइल करना है, नहीं तो आपको 50 रुपए की पेनल्टी नेक्स्ट जो भी आपका ओपन 3D है उसमें ऑटो पेमेंट हो जाएगी और आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा और आपके बायर्स को भी इनपुट टाइम से मिल पाएगा।